कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटी गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में खाली चल रहे चिकित्सक समेत अन्य पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कोरोना की लड़ाई में मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। चिकित्सा विभाग 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दावा है कि 1 से 2 महीनों में भर्ती का काम पूरा हो जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोर्ट में अटकी 12,500 जीएनएम और एएनएम की भर्ती का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। 9,000 एएनएम और जीएनएम को जल्द ही नियुक्ति दे दी जाएगी। 2,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का इसी बजट में अनाउंस किया था, ये ऑर्डर जारी हो गए हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने में राजस्थान में 2,000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम भी हम पूरा कर लेंगे। हमने अभी 735 डॉक्टर्स नए भर्ती किए, जिनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। रघु शर्मा ने कोरोना के हालात पर कहा कि राजस्थान में नए पॉजिटिव आना चिंता का कारण नहीं, इससे हमें क्लियर हो रही है ग्राउंड रियलिटी। 2 मार्च तक राजस्थान में टेस्टिंग शून्य थी, अब प्रतिदिन सरकार 4700 जांचें कर सकती है। आने वाले दिनों में प्रतिदिन 10,000 जांच की कोशिश होगी। राजस्थान के 33 जिलों में जांच सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। चिकित्सा मंत्री बोले, सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोरोना वॉरियर से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा, वॉरियर से बदसलूकी पर तुरंत सख्त सजा होगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश के कई हिस्सों से पत्रकारों के पॉजिटिव आने की सूचना मिली है, ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जाएगी ताकि वे बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी निभा सके। पत्रकार बंधुओं की कोविड से रिलेटेड जांच अगर कोई पत्रकार कराना चाहे तो हम यहाँ करवाएंगे, ताकि समय पर उनके भी जांच का परिणाम सामने आ जाए और वास्तविक स्थिति का पता चल जाए, ताकि वो और साहस के साथ रिपोर्टिंग का काम करते रहे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए खासी आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो आर्थिक पैकेज देने को तैयार थी, उसमें अब बढ़ोतरी की जरूरत है। घोषणा के बाद काफी समय निकल गया है और अब हालात विकट हो चले हैं, ऐसे में केंद्र को पैकेज राशि और बढ़ा कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यवसाय या उद्योग कोविड-19 की भेंट चढ़ गए, उन्हें राहत देने के लिए भी केंद्र सरकार को कोई पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के लिए भी राज्यों को आर्थिक पैकेज के रूप में पैसा देना चाहिए भारत सरकार को। और तीसरी चीज, ये जो उद्योग धंधे हैं, इनको जो मॉडिफाइड लॉकडाउन हमारा लागू हुआ है, इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, वरना ये उद्योग सर्वाइव नहीं करेंगे। चिकित्सा मंत्री ने एक बार फिर मांग उठाई कि कोरोना से लड़ने के लिए काम आने वाली पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स सहित सभी चिकित्सीय सामग्री खरीद की केंद्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ICMR द्वारा तय कंपनियों द्वारा राज्य सामग्री खरीद रहे हैं, ऐसे में कई तरह की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार अगर केंद्रीय खरीद व्यवस्था में इसे ले लेती है तो राज्यों में मांग के अनुसार आपूर्ति हो सकती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।